अच्छा छत्ती पर सुहा कर दी नुकरा कर दी भाई रे गाया कर दी मैं जो सीख रहा का तो ज्ञान नहीं था ये तो बेरा था बस बड़बड़ बंदे की लेकिन था नहीं। दर्शका ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं बड़ौदा गांव में। अमित चहल बड़ौदा दौरा जो कि रागनी गायक है और कंपटीशन था नारनोंद में और बाकी बात इन तक करेंगे क्योंकि आपने बेरा अगर रागनिया की बात करें तो हरियाणा की पहचान है रागनी और रागनी की तना की तरह छुट्टी जान लाग रही है। आपने भी बेरा है कि हरियाणा सॉन्ग बहुत आगे है लेकिन रागनी की तना की तरह पीछे जान लाग रही है। अगर रागनिया की बात करें तो रागनिया में बहुत सारे किस्से भी गाए गए हैं लेकिन अगर रागनिया की बात करें पहले हमने रागनी सुनी है बहुत सारी अच्छी रागनी भी हुई है और बहुत सारी ऐसी भी हुई है जो बद्दी प्रकार की भी गाई गई है। तो अमित जी तो पूछेंगे भी कड़ा कॉम्पिटिशन था कौन कौन आया था किसने किसने पार्टिसिपेट करे थे और जीत का इनाम के मिल रहा है। राम राम अमित जी। राम राम जी। सबसे पहले लोकल एक्सप्रेस चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी हरियाणा के संस्कृति प्रेमी हैं सबको अमित चहल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। अमित जी कहाँ पे था ये रागनी कॉम्पिटिशन? ये सालाना कार्यक्रम होता है बैणिया मीरपुर गाँव में। अच्छा। नारनोंद में पड़ता है ये 7-8 साल से लगातार दादा देवराज युवा संगठन है वहाँ पे बहुत अच्छी कमेटी है हर साल हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए ये कंपटीशन आयोजित होता है वहाँ पे। अच्छा मतलब कितने पार्टिसिपेट होते हैं वहाँ? टोटल 6 पार्टियाँ थी। अच्छा। हर बार अलग अलग होती हैं स्ट्रेंथ, कभी कभी 8-10 पार्टियाँ भी होती हैं, कभी कभी 9-10 भी हो जाती हैं। अब की बार 6 पार्टियाँ थी वहाँ पे। 6 पार्टियों में नरेंद्र डांगी जी, नरेंद्र खरक्राम जी जी, सुरेंद्र गिगनाऊ जी, दीपक चिड़िया, सुरेश अडोली जी यूपी से और हम 6 पार्टी। तो 6 पार्टियों में से अमित चहल बड़ौदा जी प्रथम रहे हैं और पुरस्कार के मिल रहा है। प्रथम पुरस्कार था वहाँ पे 51,000 रुपये कैश और ये गदा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो ये गदा मिल रहा है और वो चेक लग रहा है। हाँ जी मिल रहा है। ये प्रथम पुरस्कार था और द्वितीय पुरस्कार था 31,000 रुपये। अच्छा। हाँ एक बार आप दिखाओ हमारे दर्शक है यो गदा मिल रहा है। फर्स्ट प्राइस था यो 51,000 रुपये का जो ऊपर आप चेक देखने लग रहे हो और यो गदा हाथ में है जो। तो एक बार बताओ मतलब किस प्रकार की रागनी गाई गई वहाँ पर? ये जो कार्यक्रम होता है हर साल इसका उद्देश्य ये होता है कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाया जाए और जो अश्लील जो अपशब्द जिसको कह सकते हैं हम दो द्व्यर्थी जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग कम से कम हो, हरियाणवी संस्कृति को जो हमारी फोक है कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जाए यही इस कार्यक्रम का मकसद होता है। अब की बार भी ऐसा ही था। मतलब नियम और शर्तें थी सभी कलाकारों को दी गई थी भाई किसी भी तरह की आप अश्लील हरकत नहीं करेंगे, अश्लील शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। टाइमिंग थी रागनियों के 12 मिनट का समय था हर एक रागनी का, अच्छी व्यवस्था थी और ये हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए ही और अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए जो हमारे इस कल्चर में आई हुई है उसको कम करने के लिए उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम होता है। देखो अमित जी इस चीज़ का मैं भी पता और आपको भी पता मतलब रागनियाँ बहुत सारी गाई गई है और मतलब बहुत सारे अच्छे किस्से भी आए रागनियों में और मतलब पहले से ही रागनी चली आ रही है। अब तो चलो गाने भी आ गए हैं बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई है लेकिन पहले जो पर हरियाणा की बात करें तो रागनी या फिर सांग ये चीज़ें होया करती लेकिन उनमें बद्दापन भी होया करता बहुत सारी रागनियों में। हाँ ऐसा भी होता था पहले मतलब जो दो अर्थों वाली कोई रागनियाँ होती थी जैसे कोई ड्यूट की रागनी होती थी वो होता था लेकिन वो समय समय की बात है। वो दर्शक भी अलग अलग तरह के होते हैं सबका अपना अपना टेस्ट होता है। एक कलाकार होने के नाते कलाकार का ही फर्ज है कि वो पब्लिक को क्या परोसता है किस तरह का कंटेंट वो पब्लिक को देता है वो खुद की जिम्मेवारी होती है ना कि पब्लिक की। पब्लिक तो हर एक तरह की होती है पब्लिक का अलग काम होता है वो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो उसकी खुद की थ्योरी क्या है वो पॉजिटिव देना चाह रहा है या नेगेटिव देना चाह रहा है मतलब अपना अपना तरीका होता है सबका। और रागनियाँ जो हैं वो तो हमारी धरोहर हैं वेदों का शास्त्रों का ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है केवल रागनियों को सुनने से सब कुछ वेद हैं शास्त्र हैं हमारे महाभारत हैं रामायण हैं जितने भी पुराण हैं सारे सारे उन्हीं किस्सों में डाले हुए हैं बिल्कुल सरल भाषा में। देखो अमित जी आपने बताई ये बात सच है कि मतलब उन किस्सों में सारी चीजें आ जाती हैं हम सुनते हैं तो पता भी चलता है लेकिन अगर आज की बात करें तो रागनियों का प्रचलन खत्म होता जाना लग रहा है। ये कुछ तो कलाकारों के भी कह सकते हैं कलाकारों में भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि भाई वो अपने थोड़ा सा पैसे के लालच में लगा लो या फिर और अपना थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी तरक्की करने के मामले में उन्होंने थोड़ा सा अश्लीलता की तरफ इनको लेके गए हैं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे अभी भी जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है और जो रागनियाँ हैं वो ओरिजिनलिटी है हमारी हरियाणा जो फोक है सांग हैं जो वो हमारी ओरिजिनल धरोहर हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कभी टाइम ज़्यादा होता है उनका कभी थोड़ा सा कम चलता है ऐसा ही होता है बस वो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है ये ओरिजिनल चीज़ है। ये बताओ मैं जैसे वहाँ पे आपका कंपटीशन था तो उसमें मतलब जो पार्टियाँ थी कितनी रागनियाँ गाई गई?
वहाँ 6 पार्टियाँ थी लगातार, शाम के 8:30 बजे से लेके सुबह 24 तारीख के 11 बजे तक लगातार 14-15 घंटे कार्यक्रम चला। हर एक कलाकार के 5 राउंड थे रंग काट के, जिसको कहते हैं मुकाबला। उसमें टोटल 68 रागनियाँ हुई हैं पूरी रात में, 68। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और वो भी 68 रागनियाँ मतलब मर्यादा में रह के, हर एक चीज़ सुरताल का ध्यान रख के, हर एक चीज़ का ध्यान रख के, तब 68 रागनियाँ हुई हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल कार्यक्रम था एक, मतलब 68 रागनियाँ वहाँ पे गाई गई। जी बिल्कुल, वहाँ जो हर बार निर्णायक मंडल होता है वहाँ पे जजमेंट के लिए, पहले भी होते थे, अब की बार भी थे वहाँ। हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार आदरणीय आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी, मास्टर लोकेश शर्मा जी, सतीश बलमिया जी, जो अपने आप में मतलब इस संगीत विधा के और फोक जो हमारा है उसके बहुत अच्छे जानकार हैं, तीनों निर्णायक मंडल में थे। और भाई पवन शर्मा थे उमरा से, वो स्कोरर की भूमिका भी निभा रहे थे, जजमेंट की भी भूमिका साथ में निभा रहे थे। शिव कुमार भाई थे उमरा से, ये पैनल था एक जज का, उन्होंने निर्णय किया। तो अभी जी बताइए, मतलब जैसे आपने बताया कि 6 पार्टिसिपेट थे वहाँ पे, तो मतलब एक उसमें कितने बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, एक पार्टी में कितने होते हैं? एक पार्टी में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, जैसे मेरी पार्टी में मेरे अलावा 7 साजिंदे और थे, उस्ताद जिसको कहते हैं हम, मेरे अलावा 7 बंदे और थे तो हम 8 हो गए। कई में 8 होते हैं मेरे मतलब लीड कलाकार के अलावा, तो उसमें 9 हो जाते हैं, बस इतना ही होता है, किसी में 8 होते हैं किसी में 7 होते हैं। देखो जैसे आप रागनी कलाकार, आप रागनी गाते हो, बाकी साज बाज बजाते हैं जो होते हैं साथ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो साजिंदे ही होते हैं, हारमोनियम बजाने वाला होता है, बेंजो वाला होता है, एक कांकर होती है, 3 मटके होते हैं। हाँ नहीं देखो, रोल तो उनका, जैसे जो उस्ताद लोग हैं वो तो एक कलाकार के पंख होते हैं, सब कुछ वही बना के देते हैं। एक कलाकार जो कोई चीज़ बोलता है अपने मुँह से उसको रिपीट करते हैं, उसमें सुरताल अच्छे से लगाते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं, उन्हीं की अहम भूमिका होती है। किसी भी कलाकार के लिए जो उस्ताद लोग होते हैं, साजंदे जिनको हम कहते हैं, वो सबसे मतलब आवश्यक चीज़ होती है किसी भी पार्टी के लिए, भाई वो अच्छे हों। और ये खुशी की बात भी है कि मेरी पार्टी को वैसे तो पुरस्कार तो मिला ही है, प्रथम पुरस्कार, बेस्ट पार्टी का अवार्ड भी था 6 कलाकारों के लिए, भाई जिसकी बेस्ट पार्टी, चाहे वो हार जाए चाहे जीत जाए, लेकिन जो अच्छा बजाएंगे साज, उसके लिए भी अलग से नाम था 5100 रुपए की, वो भी मेरी पार्टी को मिला है, तो बेस्ट पार्टी भी मेरी ही थी वहाँ पे। तो आपकी जो पार्टी में थे उनके क्या क्या नाम है? मेरी पार्टी में जो हारमोनियम प्ले कर रहे थे वो है नवीन मास्टर जी, हैं नारायण से, बहुत अच्छे, बहुत सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं आज के दिन। उसके बाद बेंजो पे जो थे वो मणिराम है समैण गाँव से, जो स्पेशल कोर्स बोल रहे थे वो भागीरथ शर्मा है अलीपुरा से। मैन जो मटका बजा रहे थे वो कपिल भाई हैं बड़म्बा से, बहुत सुप्रसिद्ध मटका वादक हैं अपने आप में, मतलब सरस्वती माता साक्षात उन्हें गले में विराजमान है। भाई प्रदीप हैं मेरे, अहम उम्र हैं, बिठमड़ा गांव से, मेरे बिल्कुल शुरू के ही साथी हैं वो। अजमेर भाई हैं पाबड़ा से, मटका बजाते हैं। बिरजू सोनी साहब हैं बास से, कांकर बजाई है उन्होंने, मटका बजाते हैं। ये मेरी पूरी पार्टी थी। तो मतलब इसलिए कहते हैं कि 7 सुर मिलके जब वो बढ़ता है। बिल्कुल हाँ, सबका अलग अलग काम होता है, जिम्मेवारी उनकी मेरे से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं एक चीज़ को बोलता हूँ तो वो उसको अच्छे से बुना के फिर पेश करते हैं उनकी ओर भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कब से हो रागनी? मैं 2016 से करियर शुरू हुआ था। 2016 से? हाँ 2016 से। उसके बाद पहले अपना ऐसे ही था, कभी किसी के साथ चले गए कभी किसी के साथ चले गए, लेकिन उसके बाद मन बना लिया था भाई अब अपना ही करेंगे, जो भी करेंगे जितना भी हो सकेगा अपना ही। हाँ स्कूल टाइम से ही, सबकी शुरुआत लगभग स्कूल से ही होती है। मेरा भी इंटरेस्ट था क्योंकि यहाँ परिवार में मेरे दादाजी गाया करते लहरी राम जी, तो संस्कार तो परिवार में सही मतलब शुरू से ही हैं सुनने का, गाने का भी, मतलब मेरी दादी जी भी सुना देती थी कभी कभी, भाई रे मेरे लाडगरणिया मर गए, वो रागनी मेरा दुर्भाग्य कि मैंने वो आज तक कभी स्टेज पर नहीं गाई है, और सुना करता मैं उसको खूब, सोने जब मैं सोता था ना सोने के लिए मेरे को वही रागनी सुनाई जाती थी। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि वो ज़रूर गाऊँगा मैं। अच्छा मैं जी बताओ कि मतलब जैसे अब आप युवा हो, तो मतलब युवा कम आ रहे हैं इस चीज़ में? नहीं ऐसा नहीं है, युवा जो है ना वो कुछ तो ऐसे हैं जो पथ से भटक जाते हैं, आते हैं अभी मेरे साथ, मतलब मेरी हम उम्र बहुत कलाकार हैं, दीपक भाई हैं वो तो अभी मेरे से पहले हरियाणा केसरी बन गए, और हैं भाई सचिन सुबाणा है, दीपक जुलाना है, बहुत साथी कलाकार हैं जो युवा हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। अब वो तो अच्छा कर रहे हैं जो सही पथ पे हैं, जो सही रास्ते पे हैं, कुछ ऐसे हैं भाई जिनको मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिलता, गाइड अच्छे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, खिसक जाते हैं रास्ते से, ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्ट है और
मतलब अंदाज़ा है मेरा अपना खुद का मानना है कि कुछ साल में आने वाले सालों में बहुत कुछ होने वाला अच्छा होगा रागनियों के लिए, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है, ये कभी बुलाई नहीं जा सकती हैं। कोई भी हरियाणवी सॉन्ग होता है हम उसको 6 महीने सुनते हैं, साल भर सुन लेंगे। जैसे फिल्मी गाने हैं बॉलीवुड के, सदाबहार सॉन्ग हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। एक सॉन्ग को 20 बार सुन लो, अलग अलग मज़ा आएगा 20 बार। वैसे ही हमारी रागनियाँ हैं, मतलब ज्ञान भी है, मनोरंजन भी है, सीख भी मिलती है, हर एक चीज़ है। तो ये बुलाने की योग्य चीज़ें हैं। इससे पहले कितने पुरस्कार जीते हैं? इससे पहले तो मतलब सिंगल सिंगल प्रोग्रामों में तो लोगों ने इतना प्यार प्रेम स्नेह दिया है पिछले 4-5 सालों में, भाई पूछो मत। भाई जहाँ भी गए ना, वहाँ सरस्वती माता का और ऐसा वरदान है, आशीर्वाद है, और सभी संस्कृति प्रेमियों का खूब मान सम्मान दिया है, मतलब जिसकी मैं अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, वो उससे भी ज़्यादा कहीं। जब ये पुरस्कार जीता तो तब कितनी खुशी हुई? हाँ देखो, वो एक अचीवमेंट तो होती है एक कलाकार के लिए। कभी भी जो पुरस्कार होते हैं ना, वो मतलब लास्ट नहीं होता। वो एक कलाकार को कितने भी मिल जाओ, हर एक बार उसको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ से हो सकता है अभी जो थोड़ा सा धीमे धीमे चल रहे थे रफ्तार में, तो यहाँ से हो सकता है वो थोड़ा सा और रफ्तार पकड़ जाए, ये भी हो सकता है। और मतलब पार्टी में भी, मेरी पार्टी में ये मान लो आप 80% जो युवा ही है मेरे आम उम्र बजाने वाले, तो जब छोटी सी उम्र में ये उपलब्धि मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा खुशी तो डबल हो ही जाती है। हाँ, उत्साह भी बढ़ता है काम करने के लिए, आगे मतलब प्रोत्साहन तो मिलता ही है फिर। अच्छा अमित जी, ये बताइए, देखो हम तो वहाँ पे मौजूद थे नहीं, नहीं बता देते कौन सी रागनी आपकी सबसे अच्छी लगी, तो आप ही बताइए कि वहाँ पे आपने जितनी रागनी गाई तो उनमें से सबसे अच्छी कौन सी? वहाँ है ना, कमेटी ने व्यवस्था कर रखी थी, 30 अलग अलग तरह की तर्ज थी, और उनमें 300 में से मैंने 6-12 रागनियाँ गाई हैं। तो मतलब 6 मेरी तर्ज जो मैंने सेलेक्ट की, टोकर निकाले, 6 जो अदर कलाकार थे उनकी। वैसे तो सारी ही बेस्ट थी मतलब, लेकिन वहाँ एक अलग से तर्ज थी, पर्दा है पर्दा, फिल्मी गाना है कवाली, उसके ऊपर एक रागनी गाई थी मैंने, बहुत देर का अरसा हो गया, वो मतलब अच्छी लगी मेरे को। उसने वहाँ से पॉजिटिव मार्किंग वहाँ से शुरू हुई। वैसे सारे ही राउंड अच्छे थे, लेकिन वो बेस्ट रागनी थी मेरे उस प्रोग्राम में। कोई भी जो आप चाहे थोड़ी सी गाते दिखा दो हमारे बस का ना। बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सो दी सी आगीरे, पैड़ा पैड़ा चाल पतीन, बुन में टोवन लागी रे। ये मतलब कवाली है, पर्दा है पर्दा, ये इसके ऊपर बहुत मतलब यहाँ से अच्छा शुरू हुआ फिर। अच्छा, जैसे आप गाते हो तो मतलब अंदर से बहुत सारा जोर लगता है। देखो ये तो है ही, जो हरियाणवी गाना है ना, सांग जिसको कहते हैं रागनी, इसमें जोर बहुत लगता है शरीर का, जो गले की नसें हैं मतलब वो बहुत स्ट्रेस महसूस करती हैं। और यही वजह जो अभी मैं बोल थोड़ा सा कम पा रहा हूँ, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वहाँ तो गर्म गला होता है, उसके बाद थोड़ा सा खाने पीने वाला लगा लो या ठंड की वजह से थोड़ा सा, उसके बाद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जोर बहुत लगता है जी, 15 घंटे लगातार कार्यक्रम था उस दौरान, ना कोई आराम था ना कोई सोने का तो मतलब ही नहीं था। हाँ, तो 15-16 घंटे जब गला काम करता है तो थकावट तो होती है, मांसपेशियां जो खिंचाव में आती हैं, पूरे शरीर का ही जोर लगता है। तो रागनी होगी जड़े तक मन ने देखा ना, दादी ताई गीत गाया करे उनमें भी मतलब पूरा जोर लगा है। जैसे विवाह शादियों के समय में सांझी गाते हैं, बात गाते हैं, वो भी मतलब अपने गले को जैसा मेरा गला हो रहा है उससे भी नीचे कर लेती हैं, उनका भी जोर तो लगता है। किसान जी का गाई है। हाँ, तो मेरे को भी कल परसों जो भी मित्र प्यारे मिल रहे थे, बधाई दे रहे थे, वही कह रहे थे भाई इतना जोर क्यों लाया था भाई, वहाँ पे देखो जोर तो लाना जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ तो काम तो करना ही था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा ठंड की वजह से ही हो गया बस, और कुछ नहीं है। अच्छा साथ बात कर राम राम दादी। राम राम बेटी, राम राम। नाम बता दे दादी। उम्मी। उम्मी। हाँ। अमित की दादी हो। हाँ, अमित की दादी। हाँ। और बेटी को से गांव की हो? इगरा की। इगरा की। हाँ। तो दादी पोता जीत आया। हाँ। तो कितना अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, उम्र बढ़ गई होगी तो? जमा कई साल की बताएगी? कई साल की बताएगी। हाँ। दादी ने गणे देखने। हाँ, गणे देखने से नाम सुधा सुधा ने कहा कर दी। अच्छा, छत्ती बस आ कर दी, न्यू करा कर दी, भाई रे गाया कर दी मैं जो सीखा ही। दादी ते सीख रहा है। सोया नहीं करता यू। नहीं करता। मैं तो छाती पे गिर गई, न्यू कर दी भाई रे मेरे लाड करणिए मर गए।
क्योंकि यह है हरियाणा में बसी हुई है रागनी, और इसमें मतलब इतने सारे किस्से और इतनी सारी अच्छी बात सीखने मिला है, अगर ध्यान तो सुनी जाना तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। दादी आपने भी खूब सुनी होगी सारी, और पहले भी सुनिया करते गया करते बुढ़े है, बहुत रागनिया का तो बड़ा चाह है हमारे। पहले मेरा जोर गाया करता, वो मर गया, फिर यूं लग गया। सही बात है। दादी मतलब रागनी तो बहुत अच्छी होया करती, किसी होया करती। हाँ। आजकल तो मेरे नहीं के गाने लग गए हैं। आज ये वो शिष्य को नहीं गाने दी तो दादी बहुत अच्छी हो रागनी। हाँ। अगर उन्हें ध्यान तो सुनी जाना तो हाँ। बहुत काम की बात है। काम किस है, काम किस बेटी, काम किस, सही बात है। दादी फिर स्कूल में भी गाया करता मित्र ना? स्कूल में तो गाया नहीं, खेता में जगह दिन ने बेटा आज बरसीन लिया मन मनोड़े हांडी का बांध के बट 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 इसका तो कदे का है चा। हाँ जैसे पापा ने कहा आज तो बरसीन लिया भाई, ओडो मन मन आ रही बेटा इतनी बार कर दादी बैठ की सिस्टम तड़ा हांडी ने फोड़ी। तो ये देखो दादी तो मेरा पटा ही बात है, क्योंकि अम्मी जी तो बताओ नहीं कि वर्षम भी जब ले आ गया था पहले रागनी गाकन है, तो अम्मी जी केक हो गए मतलब थोड़ा गाना लग जाएगा खेत में। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आनंद ज्यादा आ करता ना मन। हाँ। जैसे पहले लाउड स्पीकर में इलेक्शन के टाइम हुआ कर दे ना। हाँ। तो उसमें रागनी बजा कर दी। हाँ। और मैं एक रागनी वो जो देशराज नंबरदार जी थे यहाँ कर सिंधु से, उनका इलेक्शन था तो मैं थोड़ा सा बच्चा ही था स्कूल में जा करता, तो उनकी एक रागनी थी उसमें लाउड स्पीकर में बाजार दी भाई दे सिर तुम्हारी पर समाइए वह बोल फिट बैठ गए दिमाग में। जब भी खेत में जाना नहीं, खेत में हंडी धरी थी और वो रबड़ तो था नहीं, फिर कपड़ा सा पड़ा उसका ऊपर बांध का कपड़ा अपना जुगाड़ करके चप्पल के साथ बजाए गए मतलब खूब। हाँ दोनों और फिर अपना काम शुरू। अरे हरियाणा वाले जुगाड़ बनाने में तगड़े हैं। जब रबड़ का तो ज्ञान नहीं था, ये तो बेरा था बस बरबड़ बंधेगी, लेकिन था नहीं तो वो कपड़ा पन्ना मिल जाता वो बांध लेंदे उसके ऊपर कुछ भी होता मतलब आ गए उसी के साथ काम कर ले। तो देखो मतलब आपने देखा मैं मतलब किस प्रकार अमित प्रतियोगिता जीत का आया है, 51,000 रुपये इनाम भी मिल रहा है और साथ में जो गदा है वो भी मिल रहा है। लेकिन हमने भी मतलब ये चीज़ है कि मतलब इस प्रकार की पुरस्कार अगर होए जाना तो कितने कितने युवा ने बढ़ावा भी मिल रहा है इस चीज़ में, और जो हमारी जो रागनी है कितने कितने छुट्टी जान लग रही वो चीज़ जो धरोहर है, तो इस चीज़ ने बढ़ावा भी मिल रहा है। नए बच्चे भी इसमें आना चाहेंगे क्योंकि उस चीज़ ने बढ़ावा मिल रहा जब नए बच्चे आवेंगे। मतलब अमित जी ये बताओ आप खुद लिख भी लेते हो रागनी? हाँ मैं मतलब लिख भी लेता हूँ ओकेजन वाइज, जैसे जिस उपलक्ष्य में गए हुए हैं तो वहाँ मतलब सरस्वती माता ने ऐसा दे रखा है हिसाब किताब, तो वहाँ मौके से ही मतलब मैं कर देता हूँ 2-5 लेखक भी और गाए। हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई भी बोल दे ना भाई स्वागत गीत बनाना है या कुछ भी जकरी थी ने। अच्छा। बहुत भारी जकरी थी गांव की चूल्हा नहीं थी। हाँ। यो मूर्ति है। हाँ वहाँ मूर्ति खड़ी है वहाँ। हाँ। तरह कन जाओगी है के ओड़े इतने मैं बोले भजन गाय दो एक आधा भजन गाय दो एक ओड़े दादा की मिला के गाय दी। अच्छा। सारे लोग नाथ मसड़े एक कलाकार होने के नाते एक्टिव इतना तो होना पड़ता है, क्योंकि जैसे कोई राजनीतिक प्रोग्राम है वहाँ अचानक ही डिमांड होती है भाई स्वागत गीत किसी भी मंत्री का या एमएलए का कुछ भी। हाँ वो तो तुरंत ही करना पड़ता है सब कुछ। रागनियों के जो अलग प्रोग्राम होते हैं उनमें तो रागनियाँ ही होती हैं, उनके लिए तो फिर स्वागत गीत वगैरह तो अलग से ही। और इतना तो देखो एक कलाकार में थोड़ा सा एक्टिव माइंड होना भी चाहिए उसको, इस बात का तो मतलब चारों तरफ ध्यान रखना ही चाहिए भाई क्या चला हुआ है। और मतलब इंटरेस्ट है भी मेरा वैसे भी लिखने का भी इंटरेस्ट है। हाँ इतना है कि मैंने उन लिखी हुई चीज़ों का आज तक कहीं नोट नहीं किया है ये मेरे में कमी है। जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ ना मैं उसको रिकॉर्ड ही कर देता हूँ बस। अच्छा। गा के आता जैसे प्रोग्राम में गए कोई स्वागत गीत बना लिया वहीं खड़ा खड़ा स्टेज पे बोला रिकॉर्ड हो गया वो। आज तक कोई भी लिखित में नहीं रखते नहीं वो ये मेरी आदत ही नहीं है, डायरी आज तक लगाई नहीं, जो भी है वो सीधा दिमाग में ही है। देखो ये भी एक हुनर है जो भगवान ने दे रखा। जी जी बिल्कुल ये भी एक कला ही है अपने आप में और ये वरदान ही है बस सरस्वती माता का और तो क्या कह सकते हैं। और बाकी दादी तो सीखा है। हाँ। देखो आप के कहोगे अमित चहल बड़ौदा के बारे में जो रागनी कंपटीशन में जीत का आया फिलहाल नारनौंद में जो कंपटीशन था, तो जरूर बताइयो आपका के कहना है और अपनी रागनी के रागनियां जो चलती आ रही है कर देते रागनी किस्से सांग जो होया करते और उनमें जो किस्से सुनाए जाया करते जो काम की बात होया करती ज्ञान की बात होया करती उनके बारे में आपका के कहना है न्यू भी जरूर बताइयो, और किस किस ने कौन सी रागनी सुनी है और कौन सी पसंद है। एक बुढ़े बैल की तो बहुत पसंद है हमने भी, तो जरूर बताइयो आजाद खांडे वाले की।
और तस्वीरें ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।